والسلام على رسوله الأمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا म्यूटॉल कर दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाहा हक़्क़ा तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله سبحانه وتعالى فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية وقال سبحانه وتعالى إذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت وقال سبحانه وتعالى إذا الشمس كورت أخرج البيهقي رحمه الله تعالى عن ابن مسعود رضي الله عنه قال السماء تكون ألوان كالمهل وكالدهان وواهية وتشقق فتكون حالا بعد حال انتهى كلامه رضي الله عنه وقال عليه الصلاة والسلام إذا الشمس كورت يقول صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى القيامة كأنه رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت رواه الترمذي وهو حديث صحيح رواه صححه الألباني رحمه الله تبارك وتعالى تمام تعريف هر قسم کی بڑائی और किब्रियाई उसे एक अल्लाह तबारक व तआला के लिए है जो अल्लाह हम सब का खालिक और मालिक है और वही हमारा हकीकी माबूद है। बड़ी अदीम उसकी शान है, बड़े प्यारे उसके नाम हैं। जिसने दुनिया बनाई, इंसानों को पैदा किया और उनके लिए दीन चुना, उस दीन को समझाने के लिए नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत फरमाई,
आसमान से किताब नाजिल फरमाई ताकि मकसद हयात वाज़े हो और चीज़ों को समझने में आसानी हो। जन्नत और जहन्नम को पैदा किया और जन्नत के लिए अहल बनाए, जहन्नम के लिए अहल बनाए। जो चाहता है वो करता है, जो उसने चाहा वो हुआ, जो उसने ना चाहा वो नहीं हुआ, और वही होता है जो अल्लाह अज़्ज़ा वजल चाहता है। सबको मौत देगा और उसकी ज़ात जिंदा है, हमेशा से है, हमेशा रहेगी। उसके अलावा सारी चीज़ें फ़ानी हैं। सुभान अल्लाह मा अज़्ज़म शानु, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाह अज़ीम। सलातु सलाम हो इसके बाद अल्लाह के आखिरी नबी इमामुल अंबिया मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते ग्रामी पर, जिनको रब ताला ने खातमुल अंबिया रहमतुल आलमीन बनाकर मबूद फरमाया, जिन्होंने अपनी उम्मत को तौहीद की दावत दी, कुरान की तफसीर बयान फरमाई, वाज़ेह रोशन दीन को समझा दिया और जन्नत का रास्ता उनको दिखा दिया। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حمد الصلاة کے بعد آج 20 جنوری 2021 عیسوی آپ کی خدمت میں مختلف ذرائع پر ये सिलसिला जो हमने शुरू किया था चल रहा है अल्लाह के फ़दल से। एक सफ़र का सिलसिला, एक सफ़र के मुतालिक, मौत से जन्नत तक का सफ़र। इस सिलसिले में पिछले दुरूस में काफ़ी बातें बयान की गई आपकी खिदमत में, आपने सुना, जाना और मालूम किया। हमारी बात रुकी है क़यामत पर। आखिर पिछले दर्स में हमने क़यामत के मुख्तलिफ नाम बयान किए थे, आपको याद होगा, और उसकी वजह जो क़यामत के मुख्तलिफ नाम हमें कुरान की आयतों में मिलते हैं, साखा, हाक्का, यौमुद्दीन, यौमुल हिसाब, यौमुल क़यामा वगैरह वगैरह, अस्सा, तो इसकी वजह क़यामत की अहमियत है। अरबी ज़बान में किसी चीज़ की अहमियत ज़्यादा हो तो उसके नाम मुख्तलिफ होते थे अरबों में, जैसे तलवार, चूँकि उसकी अहमियत बहुत थी तो उसके नाम भी बहुत हैं। इसी तरीके से ऊँट के कई नाम हैं, खजूरों के कई नाम हैं। तो क़यामत चूँकि बहुत बड़ा दिन आने वाला है जिस पर हम सब का ईमान और यकीन है, तो उसके नाम भी मुख्तलिफ बयान किए गए हैं। ये जो सिलसिला हमने शुरू किया मौत से जन्नत तक का सफ़र, इसमें काफ़ी पहलू इब्तदाई, जैसे मौत, मौत से पहले उसकी तैयारी, फिर रूहों के मुतालिक कुछ अहम बातें, और मौत कैसे होती है इंसान की उसके बारे में, कब्र, कब्र के सवालात, फिर उसके बाद लोगों की किस्में कब्र में, क़यामत की निशानियाँ, वो निशानियाँ जो ज़ाहिर होकर ख़त्म हो चुकी हैं, वो निशानियाँ जो ज़ाहिर होकर फैलते जा रही हैं, और वो बड़ी बड़ी निशानियाँ 10 जो अभी तक दुनिया में ज़ाहिर नहीं हुई हैं, ये तमाम चीज़ें हमने पढ़ ली। अब सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए, क़यामत का दिन बहुत बड़ा दिन, बहुत अज़ीम दिन होगा, जिसको अल्लाह ने फैसले का दिन कहा है, यौमुद्दीन। सूरह फातिहा आप पढ़ते हैं, याद है आपको सूरह, उसमें क़यामत का एक नाम वारिद हुआ है और वह है यौमुद्दीन, जजा व सजा का दिन, मालिक यौमिद्दीन जो आए थे, जजा और सजा के दिन का मालिक, क्योंकि वो दिन जजा भी है, उस दिन सजा भी है। जजा यानी बदला अच्छा, सजा यानी मालूम है आपको सजाएं, यानी बुरे बदले। तो अल्लाह तबारक व तआला का ये निज़ाम है, अल्लाह तआला ने इंसान को पैदा किया तो यूं ही बेकार नहीं छोड़ा, बल्कि उसकी तरफ पैगम्बरों की बेसत फरमाई, किताबों को नाजिल किया ताकि इंसान पर हुज्जत कायम हो जाए, कहीं क़यामत के दिन वो ये ना कहे कि मुझे नहीं मालूम था कि मुझे क्यों पैदा किया गया था।
आज सारे इंसानों को बता दिया गया है कि उनको बेकार नहीं पैदा किया गया है, किताबें उतार दी गई हैं, पैगंबर आकर चले गए हैं, एक के बाद एक किताबें आई, तौरात, इंजील, जबूर, सुहफ और कुरान भी नाजिल की गई जो आखिरी किताब है। पैगंबरों का सिलसिला भी शुरू हो गया और खत्म भी हो गया, सिलसिला भेजने का। नूह अलैहिस्सलाम जब दुनिया में लोगों में बिगाड़ पैदा हुआ तो नूह अलैहिस्सलाम की बेइज्जती हुई और उसके बाद हर कौम में हर मिल्लत में अल्लाह ने अपने एक रसूल को भेजा और ये सब आखिरत की याद दिलाते थे, ये सब बताते थे कि मकसद क्या है जिंदगी का। यहां तक कि मेरे और आपके प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आ गए नबी बनकर दुनिया में और आकर वो दुनिया से चले गए। उनकी नबूवत बाकी है, वो खुद नहीं है आज लोगों के दरमियान, लेकिन उनकी रिसालत, उनकी नबूवत ये कयामत तक बाकी रहेगी और उनकी तालीमात ये भी बाकी हैं। आज हदीसें हम पढ़ते हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने हदीस पढ़ी, तो हदीसें पढ़ते हैं हम, तो उन्होंने भी आकर अपना पैगाम दे दिया। तो इस तरीके से हर चीज क्लियर है। अब इंसान के सामने दो ही रास्ते हैं, या तो अच्छा करे या तो बुरा करे, और कयामत का दिन यकीनन आने वाला है जिसकी खबर कुरान की मुख्तलिफ आयतों में दी गई है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान की मुतअद्दिद आयतों में कयामत के वाक़े होने की खबर दी है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी बहुत सारी अहादीस मुबारका में, सहीहा में कयामत के वकूअ की खबर दी है। तो ये यकीनी अमर है, ये जजा व सजा का जो दिन, कयामत का दिन, आखिरत का दिन है, ये यकीनी है और इस पर ईमान वाजिब है, इस पर ईमान वाजिब है। और अगर कोई शख्स कयामत पर ईमान न लाए तो ऐसी सूरत में वो काफिर गर्दाना जाएगा। अगर कोई इंसान वाजिर है, अकीदे का मसला बता दूं, अगर कोई अल्लाह को मानता है, रसूलों को मानता है, किताबों पर ईमान रखता है, फरिश्तों पर भी उसका ईमान है, तकदीर पर भी उसका ईमान है, यानी पांचों इस्लाम के अरकान पर उसका ईमान है, और एक इस्लाम का जो ईमान का जो रुकन है अल ईमान बिल यौम अल क़यामा, क़यामत के दिन पर ईमान या आखिरत पर ईमान, इसका वो मुनकिर है, तो याद रखिए यह बात कि वो मोमिन नहीं तसव्वुर किया जाएगा, उसको काफिर करार दिया जाएगा। तो आखिरत पर ईमान वाजिब है, जरूरी है, आखिरत पर ईमान वाजिब और जरूरी है। और आखिरत पर ईमान का मतलब यही है कि आखिरत से जुड़ी हुई तमाम चीजों पर इंसान ईमान लाए, और ईमान का असर आखिरत पर, कयामत पर यह होता है कि इंसान उसकी तैयारी करता है, उसके लिए अमल करता है, क्योंकि कयामत तो वाकई होने वाली है। जुमा का दिन होगा, सुबह का वक्त होगा, लोग जो है दुनिया में मशगूल रहेंगे और कयामत वाकई हो जाएगी। बड़ी बड़ी निशानियां जो हमने पढ़ ली इससे पहले वो आएंगी, एक के बाद एक सिलसिला होगा निशानियों का। एक निशानी जाहिर हो गई दस में से, जैसा कि नबी अलैहिस्सलाम की हदीस हमने तफसील में पढ़ ली कि हरगिज तुम उस वक्त तक कयामत नहीं देखोगे जब तक के हत्ता तरो कबला अशरा आयात, जब तक उससे पहले दस बड़ी बड़ी निशानियों को ना देखो। जो ये दस निशानियों में से कोई एक भी, जैसे उलमाए तफसीर, उलमाए हदीस बयान फरमाते हैं रहिमहुमुल्लाह व हफिज़हुमुल्लाह, कि एक निशानी अगर जाहिर हो जाएगी उसके पीछे दूसरी भी आएगी, फिर तीसरी आएगी, फिर चौथी आएगी, ये के बाद दिगरे वन बाई वन निशानियों का सिलसिला जारी होगा, यहां तक कि दसवीं आखिरी निशानी जाहिर हो जाएगी, फिर उसके बाद दुनिया खत्म, फिर आखिरत होगी, कयामत वाकई हो जाएगी। तो कयामत बहुत बड़ा दिन है और उस पर ईमान अगर इंसान का यकीनन है तो उसके लिए फिर इंसान तैयारी करेगा। कयामत जुमा के दिन आएगी, किस महीने में आएगी, किस साल आएगी, कब आएगी, इसका इल्म सिवा अल्लाह के किसी को नहीं है। इंदहु इल्मु सा, कुरान की आयत, अल्लाह ने फरमाया कयामत का इल्म अल्लाह के पास है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस मैंने बताई आपको इससे पहले, याद होगी हदीस, और याद रखिए जो जो आप सुन रहे हैं भूल मत जाइए। पिछले दो हफ्तों से दर्श नहीं हुआ है, एक हफ्ता बीमारी की वजह से, दूसरा हफ्ता सफर की वजह से, तो उससे पहले तो सिलसिला था, बहुत सारी चीजें आपको बताई दी गई हैं इस मौजू से मुतालिक, और हमारा सिलसिला चल रहा है, तो याद रखना आपका काम है, भूलना नहीं, क्योंकि इल्म की आफत यह है कि इंसान भूल जाए, और यह चीजें भूलने वाली नहीं है,
कि वो इंसान अगर आखिरत को भूल जाए, इस सफर को भूल जाए जो सफर उसके सामने आने वाला है, तो तैयारी कैसे करेगा? हमेशा हर पल सुबह हो शाम हमें यह सफर याद रखना है, मरना है। आज सुबह ही देखिए हमारी हमशीरा के जो है ससुर का इंतकाल हो गया, आज फजर की नमाज के बाद वो दुनिया से चले गए। बहरहाल, तो ये मरने का, जीने का, कोई जिंदा है, कोई पैदा हो रहा है, कोई मर रहा है, ये सबके साथ मामला है। मैं और आप भी हमेशा नहीं रहने वाले हैं। मैं आज ही बैठकर सोच रहा था इंसान कितना जिएगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में बयान किया कि मेरी उम्मत की अक्सर उम्र 60 बरस की है, कम लोग उससे तजावुज कर जाते हैं। तजावुज करेंगे भी कम लोग तो कितना तजावुज, कितना आगे बढ़ेंगे? 80, 90, 100, बताइए। उसके बाद 100 साल मान लीजिएगा अगर कोई जीता है, जिंदा रहता है, उसके बाद मरना तो यकीनी है ना। तो मर जाएंगे तो कयामत तो वाकई होगी बड़ी, जिसका हम, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। लेकिन हम मर जाएंगे तो अमल हमारा खत्म हो जाएगा, हमारा अमल खत्म हो जाएगा। अभी कल वाले दर्स में जो नबियों एक कसुसुल अंबिया हमारा दर्स चलता है हफ्ते में दो दिन, इतवार और मंगल को, पर कल मंगल था ना, कल वो कसुसुल अंबिया के दर्स में हमने बयान फिरौन की जो हलाकत हुई उसका जिक्र किया। फिरौन ने जब मौत को देखा उसने कहा मैं ईमान लाया उस पर जिस पर बनू इसराइल ईमान लाया। अल्लाह ने फरमाया आल 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 आना वक़द असैत मिन क़ब्ल वकुंत मिन अल-मुफ़सिदीन। अब ईमान ला रहा है, अब कलमा पढ़ता है। जब उसने अपनी आंखों से देख लिया मौत के फरिश्ते को, मरने वाला अगर अपनी इस्लाह उस वक्त करे मरते वक्त, तो उसका कोई फायदा नहीं होता है। अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह तआला की हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया इन्नल्लाह यक़बलु तौबत अल-अब्द मा लम युग़र्र अल-हदीथ कमा क़ाल रसूल। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इंसान की तौबा उस वक्त तक कबूल की जाती है बंदे की जब तक वो गरगर ना करे, ना सकरात के आलम में ना पहुंचे। सकरात के आलम से पहले माफी मांगे तो माफी, मौत सकरात में तकलीफ हो रहता है जब पढ़ लिया हमने, मौत के वक्त जो शदीद तकलीफ होती है इंसान, तो तकलीफ उस वक्त जब उसकी सिर्फ सांस चलती है, बातचीत नहीं करता, पहचान वगैरह खत्म हो जाती है, बिल्कुल लास्ट स्टेज होता है ना जो लम्हे, बस कभी भी उसकी जान जाएगी, फरिश्ता जो है वो कब्ज कर लेगा। तो उस वक्त अगर वो तौबा करे या माफी मांग ले तो उसकी तौबा कबूल नहीं होती है, जैसे फिरौन के साथ भी हुआ और हदीस अभी जो आपने सुनी। उससे पहले इंसान तौबा कर ले, अपनी इस्लाह कर ले। एक आदमी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास आया। अच्छा, उससे पहले मैंने कहा क़यामत का दिन का खबर किसी को नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम हदीस जिब्रील में इसका जिक्र मौजूद है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम जो इंसानी शक्ल में आए थे, आकर उन्होंने अल्लाह के नबी से इस्लाम के बारे में पूछा, ईमान के बारे में पूछा, एहसान के बारे में पूछा, क़यामत के बारे में पूछा, क़यामत की निशानियों के बारे में पूछा। यह हदीस मैंने बता दिया आपको। इस्लाम का आपने बता दिया 5 अरकान, ईमान के 6 अरकान आपने बता दिया, एहसान का जो एक रुकन है कि अल्लाह की इबादत ऐसी करो गए अल्लाह के देख रहे हो, या इतना याद रखना कि वो तुम्हें देख रहा है, ये आपने बता दिया। जब चौथा सवाल जिब्रील अलैहिस्सलाम ने किया अखबरनी अन सा, मुझे क़यामत के बारे में बताइए, मुझे क़यामत के बारे में बयान कीजिए। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, मल मसूल अनहा आलम मिन असाइल, जैसे साइल तुम जो पूछ रहे हो तुम्हें नहीं पता तो मुझे भी नहीं मालूम, ये मतलब है तुमसे ज्यादा मैं नहीं जानता हूं, लफ्जी माना उसका कनेक्शन, तुमसे ज्यादा मैं नहीं जानता हूं, तो इसका मतलब तुम्हें नहीं मला पता वैसे मुझे भी नहीं पता। एक आदमी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, सही हदीस है सुनन की रिवायत। उस आदमी ने आकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि या रसूल अल्लाह मतसा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कयामत कब आएगी? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल का जवाब देने के बजाय उससे सवाल किया, बयान किया मा अदा आदत लहा, तुमने उसके लिए क्या तैयारी की है? पूछा उसने कयामत कब आएगी, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुमने उसके लिए क्या तैयारी की है? उसने कहा कि कोई बड़ी तैयारी तो नहीं है, लेकिन मैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करता हूं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अंत मा मन अहब अल हदीथ कमा कौस, तुम जिससे मोहब्बत करते हो उनके साथ हो गए, यानी तुम नबी से सच्ची मोहब्बत करते हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नबी के साथ हो गए। इस हदीस से दो बातें हमें मालूम हुई। नंबर एक, कयामत की तैयारी, आखिरत की तैयारी जरूरी है, जैसा कि अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वल्तन्ज़ुर, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वल्तन्ज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द,
واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر نفس, میں آپ جتنے ہیں, ہر سب کا ایک نفس ہے نا, ہر نفس ہر انسان یہ دیکھے کہ اس نے آگے کے لیے, کل کے لیے, انہیں قیامت کے دن کے لیے کیا بھیجا ہے. اور اللہ سے ڈرتے رہو, یقیناً تمہارے تمام اعمال کو اللہ, تمام اعمال کی اللہ کو خبر ہے. آدمی کی سانس بند ہو جائے تو عمل بند ہو جاتا ہے اس کا, جو کرنا ہے عمل زندگی ہی میں کرنا ہے. تو یہ قیامت جو بہت بڑا دن ہے, حساب کا دن, جزا و سزا کا دن, ہمارے اعمال کے ہم کو بدلے ملیں گے, اچھا تو اچھا, برا تو برا, یہ نظام ہے اللہ کا. تو اللہ انسان کو دنیا میں موقع دیتا ہے, انسان کو عبرت کے واقعات اس کے سامنے ہوتے ہیں, لوگوں کی موتوں کے بارے میں سنتا ہے, اگر وہ عبرت لے, اپنی اصلاح کر لے, موت سے پہلے تیاری کر لے تو بہت ضروری ہے. تو اس حدیث سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب سوال کیا گیا تو آپ نے کیا فرمایا, سوال کیا گیا کب ہے قیامت, آپ نے فرمایا تیاری کیا کی ہے اس کے لیے آپ نے. اس کا مطلب آپ علیہ السلام کا یہ سوال ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ہم امتیوں کو تیاری کرنا ہے, قیامت تو آنے والی ہے, برپا ہونے والی ہے, واقع ہونے والی ہے, تیاری ضروری ہے, کیونکہ بہت بڑا دن ہے وہ. اس کی ہولناکیاں قرآن میں موجود ہیں, ہیبت کیا عالم ہوگا, بھائی بھائی سے بھاگے گا, حامل عورت کا حمل ختم ہو جائے گا, دودھ پلانے والی عورت اپنے بچے کو, جب جو ماں جو ہے اپنے دودھ پیتے بچے کو کبھی نہیں چھوڑتی ہے, اس کے لیے نیند کی, وقت کی, بھوک کی, ہر طریقے کی قربانیاں دیتی ہے, وہ ماں اپنے بچے کو چھوڑ کر بھاگ جائے گی. لوگ نشے کے عالم ہوں گے, پڑھ کے دیکھیے سورہ حج وغیرہ کی آیت ہے قرآن میں, وترى الناس سکارى وما بسکارى ولكن عذاب الله شدید. لوگ آپ کو نشے کے عالم میں نظر آئیں گے اس دن, لیکن وہ نشہ کیا ہوا نہیں ہوگا, لیکن اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا, ہولناکی ہوگی, پریشان ہوں گے لوگ کہ کیا ہوگا ہمارے ساتھ. تو وہ جو بہت بڑا پریشانی کا دن ہے, جزا و سزا, اس سے اس دن کے لیے تیاری ضروری. اسی لیے نے سوال کیا, ماذا عملت لہا, کیا تیاری کی ابھی تم نے. یہی سوال میں آپ سے کروں, میں اپنے آپ سے کروں, آپ اپنے آپ سے کریں, ہم نے آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے, جس پر ہمارا ایمان و یقین ہے کہ یہ دنیا فانی ہے, ہمیں جانا ہے, مرنا ہے, قیامت ہے, تو اس کے لیے کیا تیاری ہم نے کی ہے. انہوں نے جواب دیا, میں اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرتا ہوں. تو وہ محبت, اس محبت کا فائدہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا, جس کے ساتھ تم محبت کرتے ہو اس کے ساتھ ہو گئے. اور اللہ سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کرنا, اللہ کی اتباع کرنا. تو اللہ سے محبت سچی کرنے والا جنت میں جائے گا, اللہ کا دیدار کرے گا, اپنے محبوب کو دیکھے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ان کی اتباع ہے, ان کی اطاعت اور فرما برداری ہے. تو جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہیں, صرف دعویٰ نہیں, بدعت نہیں, محبت کی بات کرتے ہوئے, محبت تو سچی قریب ہو جس میں اطاعت اور فرما برداری ہو, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزاری جائے, آپ کی سنتوں سے پیار ہو, سنتوں کو عملی جامہ پہنایا جائے. تو جو لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں سے محبت کریں گے, وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیامت کے دن جنت میں ہوں گے. مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت ہوگی, ان کو ملاقات ہوگی, جیسا کہ اس کی تفصیل حدیثوں میں بیان کی گئی ہے. لیکن اگر انسان تیاری نہ کرے تو پھر پچھتائے گا, کیونکہ وہاں دو ہی گھر ہیں, جنت یا جہنم, اور کوئی گھر نہیں ہے. اصحاب اعراف کا کیا معاملہ ہے, یہ سب آگے آئے گا. جن کی نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ جنت میں جائیں گے, جن کے گناہ زیادہ ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے, اور جن کی نیکیاں اور گناہ برابر برابر, 100 نیکیاں کی تھی زندگی میں اور 100 بھی گناہ کیے تھے, تو اعراف والے ایک مدت تک رہیں گے وہاں پر جنت اور جہنم کے درمیان, جس کی تفصیل آگے آئے گی دروس میں. جنت اور جہنم کے درمیان رہیں گے, جہنم کی طرف نظر پڑے گی, عذابوں کو دیکھ کر اللہ سے دعائیں کریں گے, پناہ مانگیں گے اللہ کی, اور جنت کی طرف نظر پڑے گی تو جنت کا جو ہے وہ نعمتوں کو اور وہاں کی آسانیوں کو اور نعمتوں کو, خوشیوں کو دیکھ کر اللہ سے جنت مانگیں گے. اللہ تعالیٰ ایک مدت تک ان کو وہاں, جو اللہ کے علم غیب میں ہے, رکھے گا, اس کے بعد ان کو بہرحال رحم کرتے ہوئے جنت میں آخر کار داخل کر دے گا. تو یا لوگ دو ہی قسم کے ہوئے, یا تو جہنمی یا تو جنتی, برے اعمال کریں گے, توبہ نہیں کریں گے تو دوزخ میں جائیں گے, اچھے اعمال کریں گے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جنت میں جائیں گے. جہاں تک قیامت کا معاملہ ہے, ایک حدیث سے میں اپنی بات کو شروع کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث ہے جو ترمذی میں آئی ہے صحیح سند سے, اور علامہ البانی رحمتہ اللہ علیہ نے صحیح الجامع میں اس کو صحیح قرار دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے اس حدیث میں, من سرہ ان ينظر الى القیامہ کانہ رائعین,
किसी को अगर यह बात पसंद हो कि वो कयामत को आंखों से देखे, अगर कोई कयामत को देखना चाहता है आंखों से, तो नबी अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया वो जो है इन तीन सूरतों को पढ़े। आपने फरमाया फलियकरा इदा शम्स कुवरत, सूरह तकवीर को पढ़े, इदा शम्स कुवरत। नंबर दो सूरह इन्फितार, व इदा समा उन्फतरत, दूसरी सूरह सूरह इन्फितार। व इदा समा उन्शक्कत, सूरह इन्शिकाक, सूरह तकवीर और सूरह इन्फितार और सूरह इन्शिकाक। सूरह तकवीर नोट कर लीजिए क्योंकि पढ़ना है, यह हफ्ता होमवर्क है। सूरह तकवीर, सूरह इन्फितार, सूरह इन्शिकाक, ये कुरान की मशहूर आखिर की तीन सूरतों को आपको पढ़ना है, आखिरी सूरतों में है ये, ठीक है। तो इन तीन सूरतों को पढ़ना है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर कोई कयामत को अपनी आंखों से हकीकत में देखना चाहता है तो वो इन तीन सूरतों को पढ़ ले, सूरह तकवीर पढ़ ले, सूरह इन्फितार पढ़ ले, सूरह इन्फितार और सूरह इन्शिकाक पढ़ ले। क्यों? आप ये सही हदीस है, क्यों आपने इन सूरतों को पढ़ने का हुक्म दिया? इसकी वजह सुनिए, अल्लामा कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इन्नमा कानत हादिहि सूर अखस बिल कयामति लिमा फीहा मिन इन्शिकाक समा वन्फितारिहा वतकव्वुर शम्स वन्किदार नुजूमिहा وتتأثر كواكبها الى غير ذلك من الفزع والاهوال। अल्लामा इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस की तशरीह में बयान फरमाते हैं कि ये तीन सूरतें पढ़ने का जो नबी अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया अगर कोई कयामत को जानना चाहता है, देखना चाहता है, सूरह तकवीर इदा शम्स कुवरत पढ़े, सूरह इन्फितार इदा समा उन्फतरत पढ़े और सूरह इन्शिकाक इदा समा उन्शक्कत पढ़े। इसकी वजह इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं ये सूरतें खास तौर से, ये तीन सूरतें, इनमें कयामत की हौलनाकियों का और उस वक्त जो तब्दीलियां होंगी दुनिया में उसका जिक्र खास तौर से किया गया है। जैसे कि आसमान का फट जाना, उसका जिक्र उस इन सूरतों में किया गया है, आसमान का टूट जाना और सूरज का बेनूर हो जाना और सितारों का टूट जाना और बेनूर हो जाना और सितारों का खत्म हो जाना और भी इसके अलावा घबराहट और हौलनाकी के जो आलम होंगे उनका जिक्र इन तीन सूरतों में चूंकि मौजूद है, इसीलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया जो कयामत को जानना चाहे वो इन तीन सूरतों को पढ़े। तो अब आइंदा दर्स तक आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, चेक नहीं करेंगे होमवर्क, हम सिर्फ पूछेंगे आइंदा कि क्या आपने इन तीन सूरतों को तर्जमा और तफसीर के साथ पढ़ा या नहीं। इन तीन सूरतें जो बड़ी बड़ी सूरतें नहीं है, ये सूरह बकरा, सूरह आल इमरान, सूरह माईदा की बात हम नहीं कर रहे हैं, सूरह तकवीर चंद आयतें हैं उसकी, सूरह इन्फितार उसकी भी चंद आते हैं, कोई बड़ी सूरत नहीं है, दरमियानी सूरह है वो, और सूरह इन्शिकाक, सूरह नोट कर लें, सूरह तकवीर, सूरह इन्फितार और सूरह इन्शिकाक। इदा शम्स कुवरत ये जो पहली आयत है और इदा समा उन्फतरत सूरह इन्फितार और इदा समा उन्शक्कत सूरह इन्शिकाक, ये तीन सूरतों को तर्जमे के साथ यहां पर बयान कर रहे हैं। कयामत का दिन बहुत सारी तब्दीलियों का दिन हो, उस दिन जो है दोनों किस्म की तब्दीली होगी, एक उलवी और एक सुफली, एक आसमान की तब्दीली एक जमीन की तब्दीली। आसमान में भी तब्दीलियां होंगे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे दोनों में तब्दीलियां होंगी, चेंजेस होंगे बहुत बड़े, जैसा कि इसके मुताबिक कुरान की बहुत सारी आयतें और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी हदीसें मौजूद हैं। आसमान में क्या तब्दीली होगी? आसमान फट जाएगा, सूरज और चांद खत्म हो जाएंगे, सितारे टूट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, क्या कहते हैं उसको, सूरज की रोशनी खत्म हो जाएगी, चांद की रोशनी खत्म हो जाएगी, मतलब बेनूर हो जाएंगे। आपको पता है सूरज की रोशनी है जिससे कैल्शियम मिलता है, दुनिया रोशन होती है, दिन निकलता है, सूरज निकलता है तो दिन निकलता है, सूरज डूबता है रात आती है, फिर चांद तुलू होता है, चांद और सूरज ये खत्म हो जाएंगे बेनूर, आसमान फट जाएगा, यह आसमान आसमान नहीं रहेगा, आसमान धुआं वाला हो जाएगा, आसमान जो है
उसके कई कलर होंगे, जैसा कि मुख्तलिफ आयतों की रोशनी में उलमा इकराम ने इस बात को बयान किया है। उलमा इकराम ने इस बात को बयान किया है जैसा कि मैंने रिवायत नकल की थी, बल्कि उलमा क्या सहाबी रसूल अब्दुल्लाह बिन मसूद का एक कौल है, मौकूफ हदीस है, जिसको इमाम बैहक़ी रहमतुल्लाह ने रिवायत किया है और फतहुल बारी में इमाम हाफिज़ इब्न हज़र ने भी उसको जिक्र किया है। अस्समाउ तकूनु अलवान, कहते हैं अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु, क़यामत के दिन जो है आसमान के कई कलर होंगे, आसमान के कई कलर होंगे, कभी वो धुएं की शक्ल अख्तियार कर जाएगा, यानी उसके फटने के अलावा, फटेगा तो सही, जिसका जिक्र है वो सूरे में इंशिकाक में आप पढ़ें, सूरे तकवीर में, सूरे इन्फितार में, सूरे इंशिकाक में, तो आपको पढ़ना है इंशाल्लाह होमवर्क में जो है, तो इसके उसमें पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा ये, और हो सकता है ये अब्दुल्लाह बिन मसूद का कौल भी आप उसमें तफसील में पढ़ लें कि आसमान के कई कलर हो जाएंगे, आसमान बाकी नहीं रहेगा, वो धुआंदार हो जाएगा, यानी आसमान की जो है बनावट और उसकी जो उसका जो रंग है उसमें बहुत बड़ी तब्दीली वाकई हो जाएगी। इसी तरीके से सूरज और चांद बेनूर हो जाएंगे, सूरज और चांद और सितारे, सितारों से रोशनी है, सूरज की रोशनी है, चांद के, ये सब खत्म कर दिए जाएंगे और फिर उनको लपेट दिया जाएगा। ये सारा आसमान आपको पता है, ये आसमान एक नहीं है, आसमान सात आसमान है। कयामत के दिन अल्लाह तबारक व ताला लपेट देगा इंसान, लपेटना आप समझते ना किसी चीज को, आप देखते हैं भाई किसी चीज को लपेटने का क्या मतलब होता है, ऐसे मोड़ देना, लपेट देना, आप चादर को लपेट देते हैं, जिसको पई कहते हैं अरबी में, पई करना, ठीक है। तो यौम नतवी समाउ, कुरान क्या है, जिस दिन कयामत के दिन हम आसमान को लपेट देंगे, अल्लाहु अकबर, ये इसका जिक्र कुरान किया है तुम्हें, तो अल्लाह तबारक व ताला आसमान को लपेट देगा, तो ये बहुत बड़ा मामला होगा यकीनन, और जमीन जमीन नहीं होगी, इसमें भी तब्दीली वाकई हो जाएगी उस दिन जो है, यौम तुबद्दल अर्द गैर अल अर्द वस्समावात, आसमान और जमीन ये नहीं रहेंगे जो आज जिस जमीन पर हम बसते हैं रहते हैं और आसमान के नीचे हम रहते हैं, ये सारी चीजें बदल दी जाएंगी। और जहां तक सूरज और चांद का है, उन दोनों को जमा कर दिया जाएगा, सुभान अल्लाह, आप देखिए कैसा कैसा मामला होगा। सूरज और चांद आज जमा नहीं है, मतलब एक जगह नहीं है, सूरज अलग है चांद अलग है, वो कुल्लुन फी फलक यसबहून, कुरान में अल्लाह ने कहा सूरज उसके निकलने का एक जगह है और गुरूब होने की एक जगह है, अल्लाह के हुक्म से सूरज निकलता है ना रोजाना दुनिया में, अल्लाह के हुक्म से डूब जाता है अर्श के तले, और उसको हुक्म मिलता है तो वो निकलता है दोबारा, कयामत के दिन नहीं निकलेगा वो मगरिब से निकलेगा जो हमने पढ़ लिया था। तो और चांद के भी तुलू होने की गुरूब होने की जगह अलग है, चांद लशमसु यम्बगीला, कुरान की आयत मौजूद है, न सूरज चांद से आगे बढ़ सकता है न चांद सूरज से आगे बढ़ सकता है, वो कुल्लुन फी फलक यसबहून, सब अपनी अपनी जो है जगह घूम रहे हैं, सूरज अपनी जगह, चांद अपनी जगह, ठीक है, ये दुनिया में आज हो रहा है अल्लाह के हुक्म से। कयामत का दिन ऐसा खतरनाक ऐसा होना की वाला दिन होगा, जो मैंने कहा चेंजेस होंगे बहुत बड़े, उसमें क्या वो जुमिया शम्स वल कमर, कुरान की आयत है, फइदा बरिकल बसर व खसफल कमर, सूरह कयामत की आयतें हैं ये, फइदा बरिकल बसर व खसफल कमर व जुमिया शम्स वल कमर यकूल इंसान यौमइज़िन अइनल मफर, जिस दिन निगाहें चूंधियां जाएंगी और आसमान जो है दसा चांद जो है उसका खस्फ होगा, वो डूब जाएगा, खत्म हो जाएगा, वो जुमिया अश्शम्स वल कमर, सूरज और चांद को एक जगह कर दिया जाएगा, जबकि आज एक जगह नहीं है, अलग अलग है, लेकिन उस दिन दोनों को इकट्ठा किया जाएगा, दोनों को एक जगह कर दिया जाएगा। जब ये अचानक इतनी बड़ी तब्दीली इंसान देखेगा क़यामत के दिन, यकूल इंसान यौमइज़िन अइनल मफर, इंसान कहेगा कि भागू कहां मैं, ये क्या हो रहा है, आसमान और चांद जमा हो गए एक जगह, आदमी हौलना की के आलम में, परेशानी के आलम में नजात का रास्ता मांगेगा, पूछेगा अइनल मफर, कहां भागू, लेकिन कोई मफर नहीं होगा। और आपको ताज्जुब होगा सुभान अल्लाह कि कुरान की आयतों की रोशनी में और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही अहादीस की रोशनी में यह बात बयान की गई है कि सूरज और चांद जो जमा कर दिए जाएंगे, इन दोनों को जमा करने के बाद इन दोनों को जहन्नम में आग में डाल दिया जाएगा, सूरज को भी चांद को भी, इसका जिक्र हदीस में मौजूद है। इसकी वजह भी उलमा ने बयान की है, सूरज को भी और चांद दोनों जो है आग में चले जाएंगे, सूरज भी चांद भी, क्यों, इसकी वजह उलमा बयान करते हैं और इसका जिक्र हदीस में मौजूद है, इसका जिक्र जो है हदीस में मौजूद है।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हवाला दे दूं आपको, अनस रदीन की रिवायत है ये, इमाम तयालुसी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी मुस्नद में और इमाम अबू यारा रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी मुस्नद में और इमाम अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने सही अल जामे में इस हदीस को नकल किया है, जिस हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि सूरज और चांद दोनों को आग में रख दिया जाएगा। इसकी वजह हदीस सही है, मैंने बता दिया ना, यानी उसको जो है लपेट कर आग में दाखिल कर दिया जाएगा और शक्ल बताते हैं यानी बैल की शक्ल में, तकरीबन बैल की, क्योंकि सौरान का लफ्ज मिलता है, बैल की शक्ल में सूरज को और चांद को जो है आग में डाल दिया जाएगा। इसकी वजह उलमा इकराम बयान करते हैं क्योंकि दुनिया में जो है सूरज और चांद की इबादत की जाती थी, सूरज की इबादत करने वाले, आज भी आप जानते हैं सूरज को पूजने वाले, सूरज की इबादत करने वाले होंगे, जब उन लोगों को, जब वो लोग इबादत, और ये बातें हैं, ये तो गलत है, आपको मालूम है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं की जाएगी, तो जब सूरज की इबादत करना गलत है, चांद की इबादत करना गलत है और दोनों को सजदा करना, जब सूरज निकलता है तो लोग उसको सजदा करते हैं, काफिर उसको मानते हैं, सूरज डूबता है तो कुछ लोग ऐसे हैं जो उसकी पूजा करने वाले हैं, पारदर्शी सितारों की पूजा करने वाले भी हैं, आप जानते हैं इब्राहिम सलाम के दौर में भी यह चीज रही है, तो इन दोनों को जो है आग में डाल दिया जाएगा। और इसकी वजह उलमा बयान करते हैं उस हदीस की तशरीह में कि इनकी जो इबादत होती थी वो बातिल है, ये बताने के लिए। अच्छा, सूरज और चांद माबूद नहीं है, अल्लाह ने कुरान में फरमाया ला तसजुदु लिश्शम्सि वला लिल्क़मर वसजुदु लिल्लाहि अल्लज़ी खलक़हुन्न इन कुंतुम इय्याहु ताबिदून, सूरज को सजदा मत करो, चांद को सजदा मत करो, उस अल्लाह को सजदा करो या उस जात को सजदा करो जिसने सूरज और चांद को पैदा किया है। भाई ये मखलूक है, ये सूरज और चांद मखलूक है, इनको कैसे हम सजदा करेंगे, ये थोड़े माबूद है, माबूद तो अल्लाह ताला है जिन्होंने, जिस अल्लाह ने सूरज और चांद को पैदा किया है और उसको निकालता है डुबोता है, तो लेकिन लोग जो है उसकी इबादत नहीं करते हैं, अल्लाह की इबादत, सूरज और चांद की बात करते हैं, तो आग में उनको जो डाला जाएगा कयामत के दिन सूरज और चांद को, उसकी वजह यह कि इबादत जो तुम इसकी करते थे बताने के लिए कि बातिल है, ये मखलूक है, देखो आग में ये आजिज है, ये किसी काम के नहीं है, सूरज अल्लाह रब्बुल आलमीन का खालिक है, तो सूरज को आग में, चांद को आग में, और सूरज और चांद की इबादत करने वालों को भी आग में, जैसा कि उलमा ने कहा कि देखो तुम्हारा माबूद जिसकी तुम इबादत करते थे वो भी तुम्हारे साथ जल रहा है आग में, और तुम जो उसकी इबादत करते थे वो भी जो है आग में जल रहा है, ये वजह है जैसा कि अहले इल्म ने इस चीज को बयान किया है, इस चीज को बयान किया है अहले इल्म ने, बल्कि बाज ताबईन वगैरह का भी कौल इस सिलसिले में मिलता है। इमाम खत्ताबी रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं, इमाम खताबी का कॉल डायरेक्ट जो मैंने नोट किया था आपको बता दूं, लैसल मुरादु बिकौनिना फिन्नार तअदीम हुवा बिदालिक फइन्ना लिल्लाहि फिन्नार मलाइका व हिजारा व गैरिहिमा लितकुन लि अहलिन नार अदाबन व आला मिन आलातिल अदाब व मा शाअ अल्लाह मिन दालिक फला तकुन हिया मुअद्दबा। सूरज और चांद को जो ये फतुल बारी में इस कौल को नकल किया गया है, नहीं अफवान, फरहान फतुल बारी में मौजूद है, अल्लामा इमाम खत्ताबी रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं लैसल मुरादु बिकौनिहिमा फिन्नार तअदीबुहुमा बिदालिक वलाकिन्नहु तबकीत लिमन कान यअबुदुहुमा फिद्दुनिया लियअलमु अन्न इबादतुहुमा लहुमा कानत बातिला वकील इन्नहुमा खुलिका मिनन नार फुईदा इलैहा। फतुल बारी में इस कौल को नकल किया गया है, अल्लामा खत्ताबी रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं ये जो हदीस में बयान किया गया कि सूरज और चांद को आग में डाला जाएगा, तो इसका मतलब सूरज और चांद को अजाब नहीं दिया जाएगा, ये मतलब ये नहीं है कि इन दोनों को अजाब दिया जा रहा है क्योंकि इनकी इबादत की गई, ये मुराद नहीं है, मतलब ये है कि ये बताना और रोना रुलाना उन लोगों को, दिखाना कि जिसकी तुम दुनिया में इबादत करते थे, तुम सूरज की इबादत करते थे, तुम चांद की इबादत करते थे, देखो ये दोनों, इन दोनों की जो इबादत तुम्हारी थी दुनिया में ये बातिल इबादत है, ये गलत है, ये बताने के लिए उनको जो है आग में डाला जाएगा, वरना सूरज और चांद को अजाब देने, क्योंकि जाहिर बात है आग में इन लोगों को जो दाखिल किया जाएगा काफिरों को मुशरिकों को वो अजाब देने के लिए, तो क्या सूरज और चांद को भी जो अभी हदीस आपने सुनी थोड़ी देर पहले, तो क्या उस हदीस का ये मतलब है कि दोनों को अजाब के लिए दाखिल किया जाएगा, उसकी वजाहत यहां पर इस कौल से हो रही है, अजाब के लिए नहीं बल्कि ये बताने के लिए उनके माबूदों को, उनके आबिदों को कि देखो ये बातिल इबादत थी इनकी जिनकी तुम इबादत करते थे, ये आग में है एक, और दूसरे एक और एक कौल इसी में इन्होंने बयान किया, उन दोनों को सूरज और चांद को आग से पैदा किया गया है,
خلق من النار فعید الیہا, تو اسی میں ان کو لوٹ دیا جائے گا. یہ ایک قول ہے. ایک دوسرا قول امام اسماعیلی رحمت اللہ علیہ کا ہے, جس کو حافظ ابن حجر رحمت اللہ نے فتح الباری میں ذکر کیا ہے, لا يلزم من جعلهما في النار تعذيبهما فإن لله في النار ملائكة وحجارة وغيرهما لتكون لأهل النار عذابا وآلة من آلات العذاب وما شاء الله من ذلك فلا تكون هي معذبة. ایک دوسرا قول اس حدیث کی تشریح میں امام اسماعیلی رحمت اللہ علیہ کا, حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ سورج اور چاند کو آگ میں ڈالے جانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان دونوں کو عذاب دینے کے لیے آگ میں ڈالا جائے گا, بلکہ ایسی بات نہیں ہے, ورنہ ایسی بات نہیں. اس کو سمجھنے کے لیے آپ دیکھیں, اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی آگ میں عذاب دے رہے ہوں گے, آگ میں جہنم میں فرشتے بھی جہنمیوں کو عذاب دے رہے ہوں گے, پتھر بھی آگ میں ہوں گے, تو عذاب دینے کے لیے ہوں گے, اہل النار کے دوزخیوں کو عذاب دینے کے لیے ہوں گے, اور وہ عذاب کا ایک آلہ ہوں گے, نہ کہ ان کو عذاب دیا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے, اور سورج اور چاند کو عذاب کے لیے داخل نہیں کیا جائے گا. تو اس قول سے یہ بات کلیئر ہو گئی کہ سورج اور چاند کو کس لیے دوزخ میں داخل کیا جائے گا. اور قیامت کا دن, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس دن میں جو تبدیلیاں یا جو ساری چیزیں واقع ہونے والی ہیں یہ بہت خطرناک قسم کی چیزیں ہیں, بہت ہولناکیوں کا وہ دن ہے, جس کی تفصیل ان تین صورتوں میں ہے جو آپ کو پڑھنا ہے انشاءاللہ. اور اس دن جو ہے بہت بڑا دن ہوگا. ایک دن قیامت کا دن جو ہے 50,000 سال کے برابر ہوگا. دنیا میں جو دن تھے, جیسا کہ ہم دنیا کی زندگی گزارتے ہیں, سال کے ایام ہوتے ہیں, دن ہوتے ہیں, قیامت کا دن ایک دن, اس کی ہولناکی دیکھیے آپ اور کیسی پریشانی والی دن ہوگا. قیامت کا دن ایک دن جو ہے 50,000 سنہ, یہ قرآن کی آیتوں میں بیان کیا گیا, 50,000 سال کے اتنا لمبا دن. یعنی 50,000 سال کتنے لمبے ہوں گے, اتنا قیامت کا ایک دن ہوگا. اب اندازہ لگائیے کہ اس دن جو ہے کیسا جو ہے انسان کا معاملہ ہوگا, اور لوگ قیامت کے دن جو ہے قبروں سے ان کو نکالا جائے گا. اس کی بھی تفصیل انشاءاللہ آئندہ حدیثوں میں آئے گی. ننگے بدن ننگے پاؤں بغیر ختنہ کی قیامت کا دن جب واقع ہوگا. اچھا, اس سے پہلے وہ بہت ساری اہم چیزیں آ رہی ہیں. سور جو پھونکا جائے گا, اور محشر کے بارے میں ہم نے اس سے پہلے بتا دیا تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ محشر جو ہے دو قسم کا ہوگا, ایک دنیا کا محشر ہے, ایک آخرت کا محشر ہے. وہ ہم نے اس حدیث کی تشریح میں, جو 10 نشانی والی حدیث ہم نے بیان کی تھی, اس میں بتا دیا تھا کہ آج جو لوگوں کو محشر کی زمین پر لے جائے وہ دنیا کا محشر ہے, قیامت کے دن کا محشر ایک الگ ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اس دن یہ زمین نہیں رہے گی, اس دن جو ہے یہ آسمان بھی نہیں رہے گا, آسمان بھی دوسرا, زمین بھی دوسری. ایک ایسی زمین رہے گی جس پر کبھی کسی نے کوئی گناہ نہیں کیا. اس زمین پر تو اب تک دنیا کے گناہ ہو چکے ہیں, کتنے خون ناحق خون بہائے گئے ہیں, کتنی بدکاریاں ہوئی ہیں, کتنے کچھ معاصی ہوئے ہیں, لیکن اس دن جو ہے زمین بدل دی جائے گی. ایک پاک زمین جس پر کسی نے کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں کی ہے, ایسی زمین اس دن بنائی جائے گی, اور آسمان بھی تبدیل کیا جائے گا, اور پھر حساب کتاب ہوگا, اور سور بھی پھونکا جائے گا. کیونکہ قیامت واقع ہونے کے لیے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ, جیسے قرآن کی آیتوں میں ملتا ہے, اور سور کی بھی تفسیر ہے, سور کتنے مرتبہ پھونکا جائے گا, یہ بڑی اہم بات ہے جو انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم اسی سے شروع کرنے والے ہیں. آپ کے سامنے سلسلہ ہمارے پاس ہوئی ہے کہ سور پھونکنے والے فرشتہ, ان کا نام کون پھونکیں گے, اور ان کا نام کیا ہے, یا نام ہے یا نہیں ہے, اور سور ٹوٹل کتنی مرتبہ پھونکا جائے گا, سور پھونکنے کے بعد کیا ہوگا, ایک سور اور دوسرا, ایک مرتبہ سور پھونکنے اور دوسرے مرتبہ سور پھونکنے کے درمیان کتنی مدت ہوگی, اور اس کے بعد قبروں سے جو نکالا جائے گا لوگوں کو, سب کو, اگلوں کو, پچھلوں کو, جب لوگ مرے ہیں, جب سے جتنے انسان ہیں سارے, جو پہلے ہیں مر چکے ہیں, اور جو آج زندہ ہیں یا مرنے والے ہیں, کل مرنے والے ہیں, قیامت تک جتنے لوگ مرے, سارے انسانوں کو قبروں سے ننگے باؤں ننگے بدن بغیر ختنہ کے. اس سلسلے میں بھی کچھ احادیث ہیں اور اس کی وجوہات بھی ہیں, اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث بھی ہے, تو ان کو لے جایا جائے گا, اور زمین میں جو ہے سارے لوگ جو ہے کھڑے رہیں گے حساب و کتاب کے دن. حساب و کتاب کے لیے اللہ تعالیٰ آئے گا, فرشتے صف و صف کھڑے ہوں گے, لوگ کھڑے ہوں گے, اللہ تعالیٰ آئے گا, اللہ تعالیٰ انسانوں سے بات کرے گا, میزان نصب کیا جائے گا, ترازو, وہ ترازو کیسے ہوگا اس کے بارے میں کیا حدیث ہیں, ترازو میں اعمال نامے تولے جائیں گے, ایک میں نیکیاں ایک میں گناہ, اس کی کیا شکلیں ہوں گی, کیا کیا تولے جائیں گے, یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں جو بہت زیادہ قابل غور ہیں اور سمجھنے والے چیزیں ہیں, اور بھی بہت کچھ ہے جو انشاءاللہ آگے آئے گا وہ سلسلہ پورا, کہ پھر اس کے بعد جو ہے کیا ہوگا, اور کیسے جو ہے جنت تک انسان, اگر اس نے دنیا میں نیکیاں کی ہیں, ایمان کی حالت میں زندگی گزاری, ایمان کی حالت میں موت ہو گئی,
नेकियां ज़्यादा थी तो जन्नत में जाएगा, तो कैसे उसको जन्नत में दाखिला होगा, सिलसिला हमारा जारी है। तो आइंदा दरस इंशाल्लाह सूर फूंकने के मुतालिक, सूर कैसे फूंका जाएगा, कौन फूकेंगे और सूर फूंकने के बाद क्या क्या चीज़ें दुनिया में होंगी, ये सब कुछ, और कैसे लोगों को मैदान हशर में जमा किया या उठाया जाएगा क़यामत के दिन, उसकी क्या मिसालें कुरान में दी गई हैं और क्या कुछ बयान किया गया है, इंशाल्लाह हम बयान करेंगे। आखिर में अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इस दिन की तैयारी करने, इस दिन के लिए तैयारी करने का हम सबको तैयारी करने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। ऐ अल्लाह, मौत का वक्त मुकर्रर है, कब कौन दुनिया से चला जाएगा तेरे इल्म के अलावा किसी को नहीं मालूम है। हमें तौफीक दे कि हमारी ज़िंदगी के हर पल को हम गनीमत समझें, और हमारा वक्त तो चाहता है, देखिए टाइम चला गया, देखिए दो हफ्ते खत्म हो गए, तीसरा हफ्ता फिर शुरू हो गया, दो हफ्तों के बाद हम आपके सामने आए हैं, देखिए दो हफ्ते चले गए, ऐसे हफ्ते पे हफ्ते चले, कल जुमेरात आ रहा है, फिर आप देखेंगे अगला अंदर से आएगा, होमवर्क आपका हो जाएगा फिर इंशाल्लाह। तो बताने का मकसद ये है, बोलने का, कि वक्त बड़ी तेजी से खत्म हो रहा है, वक्त तो रुकता नहीं है, जाता है कैसे भी, सबका जा रहा है, किसी का व्हाट्सएप पे, किसी का फेसबुक पे, किसी का नमाजों में, किसी का दिन में, अब व्हाट्सएप पे भी अच्छे कामों में या बुरे कामों में। बहरहाल बोलने का मतलब ये है कि अपने वक्त को गनीमत समझा मैं और आप, हमारा वक्त अल्लाह की इताअत में कोई ना कोई नेकी करने में सर्फ हो, बस इस बात का खास ख्याल रख लीजिए, और कुछ बोलना नहीं है मुझे आपको। अपना वक्त जाय मत कीजिए, नेकी कीजिए कोई भी नेकी, क्योंकि यही नेकियां आप अपने साथ अपने कब्र में ले जाएंगे, हम सब अपने साथ अपने कब्रों में ले जाएंगे। अल्लाह ताला नेकियां करने की तौफीक दे, हिम्मत दे, ताकत दे और हमारा ताउन कर, आमीन। वाखिर दुआना रब्बिल आलमीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कफारतुल मजलिस, सुभानक अल्लाहुम्मा बिहमदिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।